गर्मियों में सभी को ठंडा पानी पीना तो पसंद ही होता है, तो हम क्या करते हैं कि किसी भी प्लास्टिक बोतल में वाटर को भर करके फ्रिज में रख देते हैं। कभी कभी तो दो दो तीन तीन दिन तक वैसे ही बोतल में पानी भरा रहता है। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि ये बोतल रियूजेबल है कि नहीं? क्या आपने कभी बोतल के बॉटम में लिखे रिसाइकिल नंबर चेक किया है? दोस्तों, इन नंबरों का बहुत महत्व होता है, तो आइए आज मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगी कि किस तरह के वाटर बॉटल हमारे लिए सेफ है और इसका उपयोग कैसे करना चाहिए। दोस्तों, आप वीडियो पूरा देखना, क्योंकि वीडियो के अंत में मैं कुछ खास स्मार्ट टिप्स आपको बताऊंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो प्लास्टिक बॉटल के बॉटम में एक ट्रायंगल में एक नंबर लिखा होता है, जैसे कि 1, 2, 3, 4। इसे रिसाइकिलिंग नंबर भी बोलते हैं। यदि रिसाइकिलिंग नंबर 1 लिखा है तो इसका मतलब यह बॉटल PET से बना है, जो कि एक प्रकार का प्लास्टिक है। जनरली इस प्रकार के बॉटल में सॉफ्ट ड्रिंक्स, वाटर मार्केट में बेचे जाते हैं। लेकिन दोस्तों, यह ध्यान रखने वाली बात है कि इस प्रकार के बॉटल को केवल एक बार ही यूज करना चाहिए, इसे बार बार यूज नहीं करना चाहिए। एक्चुअली PET से बने बॉटल बैक्टीरिया एंड स्मेल बहुत तेज़ी से एब्जॉर्ब कर लेते हैं और कुछ तो हार्मफुल केमिकल भी रिलीज करते हैं। तो अगर इस तरह के बॉटल को हम बार बार यूज करेंगे तो हमारे शरीर को बहुत नुकसान होगा। एक्चुअली दोस्तों, यह बहुत सस्ता और इजली रिसाइकलेबल होता है, इसलिए यह मार्केट में बहुत ज़्यादा पाया जाता है। एक और बात दोस्तों, कभी भी गर्म पानी, चाय, दूध इस तरह के प्लास्टिक बॉटल में ना दें, यह बहुत ही नुकसानदायक होता है। अतः ऐसे बॉटल जिसके नीचे 1 लिखा हो उसे केवल एक बार ही यूज करें। अब आगे बढ़ते हैं दूसरे बॉटल की ओर। कुछ बॉटल के नीचे 2 लिखा होता है, यह HDPE से बना होता है। जनरली मिल्क बॉटल, थर्मस, शैम्पू बॉटल्स इससे बनते हैं। यह 1 लिखे बॉटल की तुलना में थोड़ा सेफ है, इसे बार बार यूज कर सकते हैं, इसलिए आप चाहें तो इसमें पानी भर करके फ्रिज में रख सकते हैं। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज। दोस्तों, अब कुछ काम की बातें। प्लास्टिक बोतल में पानी लंबे समय तक रखना अवॉइड करना चाहिए और हर बार दोबारा पानी रखने से पहले बहुत अच्छे से बोतल को क्लीन करना चाहिए। सेकंड पॉइंट, प्लास्टिक बोतल में गर्म पानी, चाय, गर्म दूध रखना अवॉइड करना चाहिए। थर्ड पॉइंट दोस्तों, हो सके तो प्लास्टिक बोतल की जगह पर हमें स्टेनलेस स्टील, कॉपर, ग्लास की बोतल का यूज करना चाहिए, जो कि हमारे हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। फोर्थ पॉइंट यह है दोस्तों कि प्लास्टिक बोतल में पानी 4 से 5 घंटे से ज़्यादा देर तक स्टोर ना करें और हर बार बोतल क्लीन करके ही दोबारा पानी भरें, ताकि अगर कोई बैक्टीरिया या हार्मफुल केमिकल लगा हो तो वह दूर हो जाए। फिफ्थ पॉइंट यह है, फ्रेश ठंडा किए पानी को डायरेक्ट ना पिएं, इसमें थोड़ा नॉर्मल वाटर मिलाकर या थोड़ा देर तक बाहर रख कर, जिससे चिल्ड वाटर नॉर्मल हो जाए, तभी यूज करना चाहिए। सिक्स पॉइंट यह है दोस्तों कि गर्मियों में घड़े द्वारा ठंडा किया हुआ पानी पीना सबसे ज़्यादा सेफ होता है, वो हेल्थ के लिए भी ठीक है। सेवेंथ पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगी फ्रेंड्स कि कभी भी ग्लास या प्लास्टिक के बोतल को फ्रीजर में नहीं रखना चाहिए। एक्चुअली जब वाटर को बोतल में भर करके फ्रीजर में रख देते हैं तो पानी धीरे धीरे बर्फ़ बनने लगता है, और हम जानते हैं कि इस तरह बने बर्फ़ का वॉल्यूम पानी से लगभग 9 से 10% ज़्यादा होता है। अतः अगर हम पानी को ग्लास या प्लास्टिक बोतल में भरकर फ्रीजर में रखते हैं तो बोतल टूट या फट जाएगा और हमारे फ्रीजर को डैमेज कर सकता है। एट्थ पॉइंट, कोशिश करें वाटर को बैठकर धीरे धीरे सिप करके ही पिए। दोस्तों, ऐसे बहुत सी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना चाहिए। हो सकता है हमारे कई फ्रेंड्स ये सब बातें जानते भी हों, लेकिन अच्छी बातों को बार बार शेयर करने में कोई बुराई नहीं है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।